लेकिन दानिश साहब इररेलेवेंट बयान इसे भले ही कह दिया जाए, ये सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि इसे एक प्रयोग कहा जा रहा है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी, के मेन बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, आप देखिए वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो घटनाएं घट रही हैं ये कहीं और से आ रही हैं। मतलब अगर एक बात उनकी मान ली जाए, सबसे पहले तो आपने देख लिया कमलेश और मोहन जो है ये किस खास समुदाय के हैं या किस खास गुट के हैं। मुझे लगता है ये तो बाकायदा इनके ट्रेन किए हुए लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गिरिराज किशोर की जो बात है उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने उनको ये जिम्मा दे रखा है कि इस पे इस तरीके की बात करो ताकि बाकी की भी जो रेल है वो भी हम अदानी या अंबानी को बेच दें। मुझे तो यही कॉन्स्पिरेसी नजर आती है, क्योंकि जब सरकार के तौर पे सारी सत्ताएं आपके पास है, मैं कहता हूं चाहे पाकिस्तान में बैठा हो चाहे चीन में बैठा हो, अगर देश विरोधी कोई भी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय आप मीडिया के माइक पे आके कहते हैं कि वो वहां बैठा है और ये खास समुदाय का आदमी है या ये खास विशेष वर्ग का लोग है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से मुसलसल। गिरिराज जी का स्टेटमेंट आया, उसके पहले योगी का स्टेटमेंट आया, उससे पहले आपने देखा हेमंता बिस्व शर्मा का। तो भारतीय जनता पार्टी देश में एक अराजकता की राजनीति पैदा करना चाह रही है, और इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी दी गई है जो हेमंता ने बोला है। तो आप सोचिए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा बोलता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा बोलता है वही भाषा में तो गिरिराज बात कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से देश को बांटने की नहीं, मुझे लगता है कि एकदम अराजक, उससे भी ज्यादा अगर कोई ज्यादा अल्फाज हो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बांटने की आप बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है समीर चौगावकर। सर समीर सर, सवाल आपसे यही है कि ऐसे वक्त में जो रेल हादसे हुए उनकी सच्चाई जानने के लगातार जांच का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान आना, खास समुदाय का जिक्र करना, मुसलमानों का जिक्र करना, कहां तक आपको सही लग रहा है? देखिए भाई, गिरिराज सिंह के किसी समुदाय के लिए की गई टिप्पणी को जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मेरा यह कहना है कि गिरिराज सिंह ने जो कहा है उसके पीछे जो संदेश है और उसके पीछे जो साजिश है उसे समझने की जरूरत है। देखिए ये कब से हो रहा है, ये आप कंचनजंगा का एक्सीडेंट इतना बड़ा कलकत्ता के अंदर हुआ था, ये रेलवे की लापरवाही सामने आई थी, इसको सब बात स्वीकार करते हैं, रेलवे मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया गया था। लेकिन पिछले दिनों से जो घटनाएं घट रही है आप लगातार देखेंगे कि ट्रेन पटरी से उतर रही है, तो ये किस कारण से उतर रही है आप सब देख रहे हैं, किस तरीके से पत्थर रखा जा रहा है, किस तरह से लकड़ी लगाई जा रही है, किस तरीके से एक असामाजिक तत्व रेलवे को डिरेल करने के लिए। समीर जी आपका ये बोलना है कि असामाजिक तत्व या फिर साजिश, इस पर बात होनी चाहिए बजाय कि खास समुदाय का जिक्र किया जाए, या बोलना चाहिए? बिल्कुल असामाजिक तत्व है। अब वो किस समुदाय से है क्या है ये तो जांच के बाद पता पड़ेगा कि उसके पीछे कौन लोग है, किस वीडियो आ रहा है, जांच होगी तो पता पड़ेगा। रेलवे ने भी इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि इसके पीछे कोई साजिश को नकारा नहीं जा सकता, रेलवे सारे एंगल से जांच कर रही है इसके अंदर, और मुझे लग रहा है जब रेलवे की रिपोर्ट आएगी तो पता पड़ेगा किस तरीके से किन लोगों ने इसके पीछे रेलवे को डिरेल करने के लिए ट्रेन दुर्घटना को अंजाम देने के लिए कोशिश की। इसी जांच के सामने आने से पहले इस पैटर्न को एक सक्सेसफुल प्रयोग के तौर पर क्यों बोल रहा जा रहा है? अब रेल हादसों में साजिश के कनेक्शन पर रेल मंत्री से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में काफी डिस्टर्बिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है और ऐसे में हर हादसे की विस्तृत से जांच भी चल रही है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, देखो ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं, और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि रेलवे कोई पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का विषय है, रेलवे एक ऐसी संस्था है, रेलवे और डिफेंस दो ऐसी संस्थाएं हैं देश में जो कि दे शुड बी अबव पॉलिटिक्स, जिसमें हमें कहीं पर भी देश के लिए जो ज़रूरत है, देश की लाइफलाइन है, इसके कहीं पर भी कोई भी अगर नेगेटिव इसमें होता है तो उसके ऊपर हम सबको मिलके, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी को मिलके वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। सारा फोकस उस पर है, और इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ज़रूर इस तरह की एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड दिखाई दे रही है, और कुछ आज न्यूज़पेपर्स में भी मैंने सुबह पढ़ा था, कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जो और भी डिस्टर्बिंग हैं।
फराज किदवई साहब, सुना आपने रेल मंत्री को भी, मामले पर विस्तृत जांच की भी वो बात कह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले स्वामी साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया वो है फरहतुल्ला गौरी, जो कि आतंकी का वीडियो सामने आया है, वो भी तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड मानना चाहिए ना कि जो कुछ हो रहा है स्लीपर सेल को मिल रहे आदेश के मुताबिक हो रहा है। देखिए सुरभि जी, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो पिछले 10 साल से चल रही है। और क्यों ना हम जो देश में ही जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं और जो तमाम रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उस पर भी जरा नजर डाल लें। एक रेलवे से रिलेटेड ही रिपोर्ट पब्लिश हुई थी पिछले महीने द हिंदू में, उसमें ये बताया गया था कि 2022-23 में 48 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, जो कि 2021-22 में ये संख्या 35 थी। अब आप देखिए कि जो मेन प्रॉब्लम बताई जा रही है रेल हादसों की, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आज की तारीख में देश में लोको पायलट्स की बड़ी जबरदस्त कमी है, और लोको पायलट जो है उनकी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की रिपोर्ट हो रही है। मार्च महीने में सुरभि जी, बस 20 सेकंड दे दीजिएगा, मार्च महीने में करीब 36% लोको पायलट्स ने 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी की, और अप्रैल में करीब 35% लोको पायलट्स ने 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी की, और मई में ये परसेंटेज 33% था। अब आप बताइए कि लोको पायलट्स ये नहीं हायर करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा कमी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो तमाम रिपोर्ट्स।